आए दिल ही तो है। पूछता ना बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। हेलो हेलो सुप्रीना, कैसे हैं आप जी? आप कौन? गेस करें कौन हो सकता है जो इतनी रात के पहर आपके बारे में सोच रहा होगा। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। इतनी बेनियाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा जहन पर जोर डालें। इतनी पुरानी मुलाकात नहीं है हमारी। देखें, पहेलियां बुझवाना बंद करें। आप मुझे साफ साफ बता रहे हैं या फिर मैं फोन बंद कर दूं? सबरीना, वेट अ सेकंड, मैं सरमद बात कर रहा हूँ। सरमद, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? बस मिल गया। क्यों, आपको आपको खुशी महसूस नहीं हुई? क्योंकि मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बस फिर कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? Are you there? कॉल क्यों किया आपने? आपका हाल पूछने के लिए। मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? आप वाकई में इतनी मासूम है? बाय द वे, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि मैं आपसे कंफर्म कर सकूं कि मेरे हक में फैसला कब आएगा। इंसान इंतजार में कैसे सूली पे लटका होता? वो मैंने मम्मी को बता दिया है, तो वो बाबा को बता देंगी। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जुमला मेरे लिए रिपीट करें जो आपने आंटी से कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगे। यही कि मुझे कोई एतराज नहीं है। बस मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा,
क्या कहना चाहिए था मुझे? यही कि आप मुझे पसंद करती हैं, मैं आपको अच्छा लगता हूँ। You know what? मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, मैं तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। आपको दूसरी मुलाकात में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? अब मोहब्बत वगैरह की बातें कुछ खास समझ नहीं आती मुझे, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मोहब्बत ना बड़े काम की चीज होती है, इंसान को बदल के रख देती है। जमीन के बजाय इंसान हवा में उड़ने लगता है, जैसे मैं उड़ा। सही है। अच्छा राइट लो। वो आराम से क्या हो गया है यार, तो एकदम स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाते अकलमंद। इनफैक्ट ड्राइविंग में कोई भी काम शार्प रिफ्लेक्स के साथ नहीं किया जाता, सोच समझकर पूरे होशो हवास में डिसीजन लिया जाता है, वरना रोड एक्सीडेंट। ओए तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मोहित भाई मैं सुन रही हूँ। तो फिर कोई रिस्पॉन्स ही दे दिया करो, ऐसा लग रहा है मैं किसी बहरे को नसीहत कर रहा हूँ। मोहित भाई क्या हो गया, आप खुद ही तो कहते हैं कि गाड़ी चलाते हुए रोड पे फोकस करो, आप बिला वजह मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हुई ना बात, अब ठीक है, अब तुम पहली वाली लड़ाका लड़की लग रही हो। अच्छा ऑन दैट नोट मुझे ये बताओ कि सर्वेंट से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं कुछ खास बात नहीं हुई। कुछ खास नहीं, चलो फिर आम ही बात बता दो। जी मेरी कॉल पे बात हुई। हाय 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 कॉल पे बात हुई है, I like it. इसका मतलब ये है कि मोहब्बत वाला ट्रैक शुरू हो चुका है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे वो बंदा ना मुस्तकिल मिजाज लगता है। यार एक बात बताओ, तुम अमेरिका जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी? मोहित भाई आज आप मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे हैं, बिला वजह बार बार डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताऊँ, इससे तुम्हारा फोकस मजीद बढ़ेगा, और मैं तुम्हें ओवर नहीं कराना चाह रहा, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग काफी इम्प्रूव हुई है। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो शाबाश, फोकस राइट पर रखो और स्ट्रेट, और स्पीड मेंटेन करो। वेरी गुड। तुम्हारे लिए कॉफी। थैंक यू। अब कितना सर खपाओगे अपना इन किताबों में? मम्मी ने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है, हो सकता है 2-3 दिन में तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। मेरा ख्याल है मम्मी को तुम्हारी डायरेक्ट शादी करनी चाहिए, डिले ना करें, राइट? पर आप ही, मैं अपनी स्टडीज बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे अभी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। कम ऑन सबरीना, USA जाके कर लेना अपनी स्टडीज कंप्लीट। तुम्हें सरमत कैसा लगा? दिखने में तो ओके है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है सबरीना, उसका लाइफस्टाइल अमेरिकन जैसा होगा ऑब्वियसली, गर्लफ्रेंड्स होंगी, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो। I mean, हम उसके बारे में जानते ही क्या है? ये बातें तो बाद में खुल के आएंगी ना सामने, क्योंकि एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में मिलके क्या जान सकता है? सबीना देखो सोच लो, अभी भी वक्त है, शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ये ना हो कि तुम मम्मी और अपने बाबा को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। Do you understand that? तुम
एक बात बताओ, ये तुम्हारे घुटने या पाँव में दर्द है, चोट लगी है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आजकल तुम इतना सोचने क्यों लगी हो सबरीना? सोचने का घुटने और पाँव की चोट से क्या डालूं? यार देखो, मुझे किसी और का नहीं पता, क्योंकि बाकी सबका दिमाग नॉर्मली अपनी जगह पर होता है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। मोहित भाई, ओह माय गॉड, जंगली बिल्ली, अपने नाखून तो देखो। अगर मेरे मुंह पे स्क्रैच आ जाता, मेरी शादी होने वाली, मैं तुम्हें माफ नहीं करता। कॉलेज में तुम्हें कोई मना नहीं करता कि इतने लंबे नेल्स नहीं रखते? क्या हो गया मोहित भाई, इतने प्यारे तो नेल्स हैं। और वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज में जाती हूँ और वहाँ पे नेल्स बढ़ाने की परमिशन है। मम्मी को लगा कि तुम पढ़ रही हो, लेकिन यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वेरी गुड। नहीं आपी, मैं पढ़ ही रही थी बस। मोहित भाई, मोहित ने तुम्हारी जगह बैठकर एग्जाम्स नहीं देने, वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता है, बाकी तुमने अपनी स्टडीज को खुद सीरियसली लेना है, वरना फेल हो जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे अभीरा, क्या हो गया यार, क्यों उस बेचारी को डरा रही हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, दैट शी इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, कमाल की लर्नर है, फॉरेन पे करती है चीजों। मोहित प्लीज, सबीना मेरी बहन है एंड आई नो हर बेटर, और तुम जानती नहीं हो शायद कि ये टाइम इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो कि तुम दोनों यहाँ पे हंसी मजाक में जाया कर रहे हो। वेरी गुड। वो तो अनफॉर्चुनेटली मैं शादी की तैयारी में मसरूफ हूँ, वरना मैं इसे खुद पढ़ा देती। तुम्हें जस्ट कॉम डाउन यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं सबरीना का टाइम क्यों वेस्ट करूंगा यार? आप ही मोहित भाई प्लीज, आप लोग मेरी वजह से तो ना झगड़ा करें, मैं रूम में जाके पढ़ लेती हूँ, ठीक है? मोहित, आज तुमने मुझ पे पहली बार शाउट किया है, मैं भूलूंगी नहीं ये। अबीरा, हाय दिल ही तो है।